तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पर हम डेली मॉर्निंग में डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमिक न्यूज। आज है 18 अगस्त। आई होप आप सभी दोस्तों ने अपना न्यूज पेपर आज पढ़ लिया होगा। दोस्तों, आज जो इकोनॉमिक टाइम्स में बेसिकली दो न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आरबीआई से रिलेटेड है। आरबीआई ने दोस्तों एक तो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। एक तो क्या लॉन्च किया गया है? प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है किसके लिए? जो फ्रिक्शनलेस क्रेडिट के लिए एक तो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। दूसरा एक एक उद्गम करके पोर्टल लॉन्च किया गया, उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया। तो दोनों दो के बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जो पहली न्यूज है, आप देखिए, आरबीआई टू लॉन्च पायलट वन पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म। पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शन लेस क्रेडिट, फ्रिक्शन लेस क्रेडिट PTPFC। तो दोस्तों, ये जो कल 17 अगस्त को आरबीआई ने एक बेसिकली प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर डिजिटल फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट PTPFC। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है जो डिजिटल लेंडिंग है उसको आसान बनाना। अब डॉक्यूमेंट वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं होगी, सीधा ऑनलाइन आपको लोन सेंक्शन हो जाएगा। इसके बारे में कल मैंने शाम को इवनिंग में डिटेल में क्या कर रखा है, डिटेल में वीडियो बना रखा है अलग से, आप उसको आराम से देख सकते हैं अगर उसके बारे में और ज़्यादा समझना हो तो। इसके बाद हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है दोस्तों, कल एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा उद्गम पोर्टल? बेसिकली सेंट्रलाइज वेब पोर्टल है फॉर सर्चिंग अनक्लेम डिपॉजिट अक्रॉस मल्टीपल बैंक। तो ये भी मैंने आपको एक बार पढ़ा रखा है दोस्तों। हुआ क्या, बेसिकली मैटर क्या था इसका, उद्गम पोर्टल का ऑब्जेक्टिव क्या है? जो ये उद्गम पोर्टल है ना, बेसिकली अनक्लेम्ड डिपॉजिट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? अनक्लेम्ड डिपॉजिट। कई बार क्या होता है, सपोज करो ये बैंक है ए था, ये बैंक बी था, ये पर्सन है एक्स, इसका इसमें अकाउंट था, इसमें इसको अकाउंट था, लेकिन ये भूल गया। क्या हो गया? ये भूल गया, कई बार भूल जाता है, या इसकी डेथ होगी और इसने कोई नॉमिनी अपॉइंट नहीं कर रखा था, तो ये पैसा पड़ा रहता है। तो दोस्तों, इसका नियम मैंने बताया था, 2 साल तक अगर कोई अकाउंट काम नहीं करे तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इनएक्टिव हो जाता है। बेसिकली अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है लेकिन पैसा उस अकाउंट में रहता है। अगर 10 साल तक भी उस अकाउंट में कोई एक्टिविटी ना हो तो दोस्तों ऐसे अकाउंट का जो पैसा है वो आरबीआई का एक फंड होता है। कौन सा? डी फंड। इसके बारे में डिटेल में पढ़ा रखा है। डी फंड डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड होता है आरबीआई का। ये पैसा यहाँ ट्रांसफर होता है। तो क्या 10 साल बाद सर हमारा पैसा डीप अकाउंट में ट्रांसफर हो गया आरबीआई का, तो क्या हम उसको वापस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये पैसा आप कभी भी रिक्लेम कर सकते हैं। ये पैसा आपका ही है, ये भूल मत जाओ। 10 साल नहीं, 20 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल बाद भी आप इस पैसे को रिक्लेम कर सकते हो। लेकिन ये प्रोसेस बहुत लेंथी थी, आपको एक एक बैंक अकाउंट में एक एक बैंक के पास जाना पड़ेगा, वहां पर ब्रांच में जाके फॉर्म भरना पड़ेगा, बहुत लेंथी प्रोसेस होती है। तो इसी को इजी करने के लिए आरबीआई ने क्या किया, एक सेंट्रलाइज वेब पोर्टल बना दिया। सारे बैंक इससे जुड़ गए, जितने भी बैंक हैं भारत के, बैंक वगैरह सब इससे जुड़ गया। अब ये ए आदमी क्या करेगा, एक्स क्या करेगा, इस सेंट्रलाइज वेब पोर्टल पर अप्लाई करेगा, अपने आप जो है ना वो फॉर्म, उसका एप्लीकेशन अपने आप संबंधित बैंक के पास चल जाएगी और उसको प्रोसेस करके इसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो ये प्रक्रिया बहुत ईजी होगी, बहुत स्मूथ होगी। तो इसके लिए कौन सा पोर्टल है? उद्गम पोर्टल है दोस्तों। एग्जाम में पूछे जाते हैं इसे। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया था, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? तो उसका ऑब्जेक्टिव है जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट है ना, जिसको कोई क्लेम नहीं कर रहा था, उसको रिट्रीव करने के लिए, उसको वापस से लेने के लिए ये अनक्लेम, ये उद्गम पोर्टल बनाया गया है। आप देख सकते हैं आरबीआई ने आज दो पोर्टल, बेसिकली एक तो मैं कहूँगा ये तो प्लेटफॉर्म है और एक पोर्टल लॉन्च किया गया। प्लेटफॉर्म कौन सा है? पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट। डिटेल डिस्कस हम इसका कर चुके हैं PTPFC के बारे में कल ही, जिसको भी कंफ्यूजन हो कल का वीडियो हमारा डिटेल में देख सकता है। दोस्तों, एक उद्गम पोर्टल, उद्गम पोर्टल का भी दोस्तों ये केवल नाम ही मैंने उस टाइम नहीं बताया था, क्योंकि उस टाइम आरबीआई ने नाम नहीं बताया था, लेकिन हमने डीप पर एक डिटेल में वीडियो बनाया था। क्या बनाया था? एक डिटेल में वीडियो बनाया था लगभग 10-15 दिन पहले। आप और ज़्यादा जानकारी लेना चाहो तो वहाँ पर इसको देख सकते हो। इसका फुल फॉर्म है उद्गम की अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, ये बेसिकली सेंट्रलाइज वेब पोर्टल है फॉर अनक्लेम्ड डिपॉजिट। तो ये दोनों न्यूज थी आरबीआई की, दोनों हमने यहाँ पर देख लिए। एक थर्ड बिंदु छोटा सा है पर थोड़ा सा दोस्तों किसानों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आज इसको डिस्कस करना चाहूँगा। इंडिया कंसिडर्ड वीट इंपोर्ट फ्रॉम रशिया एक डिस्काउंट काम प्राइस। इंडिया क्या कर रहा है? भारत मतलब रशिया से
गेहूं इंपोर्ट कर रहा है, तो इंडिया और वीट का संबंध में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, भारत वीट का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, क्या है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करता है, उसके बाद इंडिया करता है। इसके बाद दोस्तों ये नेट एक्सपोर्टर है। पिछले लगभग कई सालों से हम क्या कर रहे हैं, हम पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन पिछले, आपको पता है, रशिया यूक्रेन वार के बाद क्या हुआ है, रशिया यूक्रेन वार के बाद जो गेहूं के दामों में बढ़े, गेहूं के जो प्राइस है वो बढ़ी है। पिछले साल आपको याद होगा जो वीट की प्राइसेस काफ़ी बढ़ी थी, क्योंकि रशिया पूरी दुनिया में आज की डेट में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और यूक्रेन में भी काफ़ी बड़ी बड़ी मात्रा में वीट का एक्सपोर्ट करता था। तो जब ये दोनों ने बंद कर दिया तो ये वीट प्राइसेस बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। अब भारत में भी वीट की प्राइसेस बढ़ी, लगभग 20 रुपये किलो हुआ करता था पहले गेहूँ, आज की डेट में मेरे हिसाब में 2600 पर क्विंटल के आसपास है, 26 रुपये पर केजी के आसपास गेहूँ हुआ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले जब देश में कोई भी चीज़ की कीमतें बढ़ती हैं ना, सबसे पहले हम एक्सपोर्ट पर बैन कर देते हैं। क्या करते हैं, एक्सपोर्ट पर बैन कर देते हैं, ताकि जो देश में सप्लाई है ना, डोमेस्टिक सप्लाई, वो बढ़ जाए, जिससे दाम कीमतें कम हो जाए। तो यहाँ पर तो ठीक था, हमने क्या किया, एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। आज के डेट में इंडिया वीट का एक्सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन दोस्तों, अब इस गेहूँ की जो कीमतों को और कंट्रोल करने के लिए इम्पोर्ट कर रहा है, तो ये इम्पोर्ट बहुत बुरी बात है इन माई ओपिनियन। हम रशिया से इम्पोर्ट कर रहे हैं वीट, ऐसा प्लान बना रही गवर्नमेंट, फिलहाल डिसाइडेड नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो अगर 2600 रुपये पर के जी गेहूँ बिक रहा है, तो इससे फार्मर को बहुत फायदा हो रहा है। किसको फायदा हो रहा है, फार्मर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है दोस्तों। ये किसानों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन किसानों को अच्छा है किसी को देख नहीं जाते, किसी को पच नहीं जाते। सबसे पहले तो हमने एक्सपोर्ट बैन कर दिया। एक्सपोर्ट बैन करते हैं क्या होता है, डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ जाएगी, किसान के जो अपना माल है गेहूँ में, फॉरन एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। चलो यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन अब हम इम्पोर्ट कर रहे हैं रशिया से, ताकि क्या हो, ताकि जो शहर में रहने वाले जो अर्बन मिडिल क्लास है ना, अर्बन मिडिल क्लास है, उनको क्या मिले, उनको चीप वीट मिले, सस्ता गेहूँ मिले। भाई देखो, वैसे भी देश में क्या होता है, 67% तो लोगों को गवर्नमेंट सस्ते दाम पर गेहूँ दे रही है, सिटी में भी दे रही है एनएपीएससी एक्ट के तहत। जो चुनिंदा मिडिल क्लास के परिवार हैं, जो एनएपीएससी में नहीं आते, ऐसे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए क्या किया जा रहा है, गेहूँ को इम्पोर्ट किया जा रहा है। मेरे ओपिनियन में बहुत गलत है, हमारे फार्मर की बर्बादी का रास्ता है। बेचारे फार्मर्स को वैसे बहुत कम मौका मिलता है कि उनके जो दाम है, जो प्रोड्यूस है, उसकी अच्छी कीमत मिलना, लेकिन ऐसी स्थिति में हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट करके फार्मर को क्या कर रहे हैं, लॉस पहुंचा रहे हैं। तो कहीं कहीं मेरी ओपिनियन में तो ये गलत है, देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है। तो मैंने तो एक मुद्दा था अपनी तरफ से, फार्मर की तरफ से रख दिया। ऐसे जैसे दोस्तों को, जैसे अगर फार्मर्स का प्रोड्यूस का दाम कम होते तो कभी गवर्नमेंट कुछ प्रयास नहीं करती। जब 2 रुपये किलो टमाटर होता है तो रोड पर फेंकना पड़ता है, तब कोई कुछ नहीं करता। लेकिन थोड़ा सा कीमतें बढ़ती जो हाई अल्लाह मच जाता है। बेसिकली इंडिया में क्या है ना, जो पॉलिसी बनती है ना, ये अर्बन में रहने वाले मिडिल क्लास के लिए बनती है। अर्बन मिडिल क्लास को देख के ज़्यादातर पॉलिसी बनती है। गरीब आदमी कोई वॉइस नहीं होती ना, वो बोल सकता है ना कुछ कर सकता है ना, उसकी वॉइस गवर्नमेंट तक पहुँचती। लेकिन ये अर्बन मिडिल क्लास होता है ना सिटी का, ये बहुत एक्टिव होता है सोशल मीडिया पर, तुरंत हाई अल्लाह करके ऐसा माहौल बनाता है देश में कि जैसे तो महंगाई से पूरी जान निकल गई। लेकिन कभी ये फार्मर के कम कीमतों पर क्यों नहीं आवाज़ उठाता। फार्मर का अगर टमाटो 4-5 रुपये पर केजी कई बार बिकता है थोक में, तब ऐसी स्थिति में वो टमाटर रोड पर फेंक देते हैं, प्याज रोड पर फेंक देते हैं, तब कोई कुछ क्यों नहीं बोलता। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। गवर्नमेंट को लार्जर इंटरेस्ट में एक परमानेंट पॉलिसी बनानी चाहिए, जिससे क्या हो, जिससे फार्मर का भी बेनिफिट हो, साथ में कंज्यूमर का भी बेनिफिट हो। तो ये देखते हैं दोस्तों गवर्नमेंट क्या करती है। मेरे तो न्यूज़ थी, मैंने आपके पास पहुंचा दी। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।